गाइस, गर्मी तो बहुत बढ़ रही है और धीरे धीरे और भी गर्मी बढ़ेगी। तो देखो, मैं दोस्तों मार्केट गया था, लोकल मार्केट अपने, तो वहाँ से मैं ये पंखा खरीद के लेके आया हूँ। ये देख सकते हो, ये मुझे मिला 200 रुपये का। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका क्वालिटी वगैरह जो भी है। ये देख सकते हो, गाड़ी वाड़ी मतलब कहीं भी लगा सकते हो आप अपने हिसाब से। ये है दोस्तों ये पंखा, ये देख सकते हो, डीसी मोटर 12 वोल्ट का है ये। यहाँ पे स्टैंड दिया गया है, ये देख सकते हो, एडजस्टिंग के लिए। ठीक है, ये भी अप डाउन सारा हो जाता है, ये देखो ऐसे अपने हिसाब से। पर दोस्तों, इसका जो मोटर है अंदर दिख रहा है, देखो बहुत छोटा सा मोटर है, बहुत छोटा सा। ठीक है, पर इसका दुकान पे मैं चला के टेस्टिंग करके लिया, वैसे तो कोई गारंटी वारंटी नहीं है, लेकिन भाई साहब हवा बहुत तेज़ दे रहा है हवा। अब चलो दोस्तों, इसको गाड़ी में इंस्टॉल करने का प्रोसेस करते हैं, देखता हूँ कहाँ लगाने से हवा थोड़ा बढ़िया मिलेगा। ये देखो दोस्तों, टाइगर भी सामने है। क्या हो गया टाइगर बाबू, क्या हो गया, खाना खाओ। चलो तो चलो दोस्तों, गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं इसको। अरे 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 अरे, ये देखो दोस्तों, टाइगर देख रहा है। ये क्या चीज़ है, क्या है टाइगर। चलो दोस्तों, अब इसको लगाने का जुगाड़ देखता हूँ, यहाँ लगाऊँ या इस साइड, मतलब ऐसे जगह लगाऊँ कि मैं अगर गाड़ी चलाता हूँ और मेरे साथ अगर एक बंदा कोई जाता है उसको भी हवा लगे थोड़ा। ये देखो टाइगर, देखो यहाँ है, ये देखो उसको देख के देखो क्या कर रहा है, बताओ। मैंने ले लिया कटर, ये टेप, ये वायर, और मल्टीमीटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने करंट नाप के ये मेरा चार्जिंग का सिस्टम का जो लगा रखा था, ये भी 12 वोल्ट से मैं निकाला हूँ कनेक्शन। ये देख सकते हो भाई, ये यहाँ पे गांठ मार रखा है ताकि ये छोटा बड़ा ना हो, और ये प्लग से निकाल रखा है मैंने खुद करंट चेक करके 12 वोल्ट का। ठीक है, 12 वोल्ट का है ये, तो इसी चार्जर के सॉकेट से यहीं से मैं कनेक्शन लूंगा पंखे के लिए और इसको एडजस्ट करूंगा इधर, देखता हूँ कहाँ ज़्यादा हवा लगे। तो जो पहले चार्जिंग का मेरा सिस्टम था वहाँ से मैंने ये कनेक्शन ले रहा हूँ, ये अभी जॉइंट खोल रखा है। पहले इस वायर को सेट कर लूँ आराम से, यहाँ से जहाँ जहाँ से भी अंदर होके आएगा, ये देख सकते हो यहाँ पे अंदर होके निकल रहा है। ठीक है, तो मैं इसको सेट करता हूँ पहले, फिर दिखाता हूँ आपको। अब देखो गाइस, इस वायर को मैं डैशबोर्ड के अंदर से निकाल रहा हूँ, ये देख सकते हो ऐसे। तो दोस्तों ये देख सकते हो, ये दोनों कनेक्शन मैंने एक ही पे ज्वाइंट कर दिया, ज्यादा वायरिंग तार वार छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसको डैशबोर्ड के अंदर से मैं निकाला यहाँ से। अब देखो, ये एक मैंने तिल्ली ले ली झाड़ू की, ठीक है, और ये यहाँ से लगा के ऊपर से पाइप से अंदर से चीजी से कनेक्शन अंदर आएगा, ये देख लो, ताकि वायर वायर जो है ना ज्यादा लफड़ा झंझट में ना रहे। ये देखना अभी, ये रहा भाई आ गया। अब क्या हो गया, ये जो वायर है ना कनेक्शन, ये अंदर से निकल गया, मतलब ज्यादा दिखेगा नहीं, मैंने ऊपर ये टेप चिपका दिया था, ये देखो। ठीक है, अब तिल्ली को निकाल लेते हैं यहाँ से जहाँ से गया था, ये देखो भाई, अब ये आ गया, हमारा कनेक्शन आ चुका है अंदर, ये देखो भाई लाइव। अगर ढंग से कनेक्शन करूंगा तो टाइम लग रहा है थोड़ा, क्योंकि देखो हाँ, और अगर बार बार ऐसे ही छोड़ दो नॉर्मली तो भाई टाइम नहीं लगेगा। ये देखो, ये आ गया कनेक्शन वायर यहाँ से अंदर आ गया, यहाँ से निकल के थोड़ा सा ये दिख रहा है क्योंकि यहाँ पाइप ये नहीं था, और अंदर जाके कनेक्शन यहाँ आ गया। ठीक है, तो चलो कंप्लीट करते हैं बाकी प्रोसेस भी। अभी तो मैंने ये सेट नहीं किया, ये देखो कनेक्शन मैंने जोड़ रखा है, ठीक है, दोनों तार अलग अलग, चाबी ऑन किया और मैं ये ऑन करके अभी देख रहा हूँ डेमो। ओ भाई साहब, देखो गाइस, अब इसको लगा के ही सेट करके पता चलेगा कि ये कहाँ पे आखिर लगाऊं। गाइस, पंखा तो चला के मैंने हवा खा लिया और आप लोगों को भी दिखा दिया इसका सिस्टम, और इसमें एक्स्ट्रा स्विच लगाने की जरूरत नहीं है, यही ऑन ऑफ का स्विच है। ठीक है, तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ, देखो ये जो पत्ती है ना ये काफी हल्की है, इसको अगर ऐसे मान के चलो अगर लगाऊं, वैसे छेद वेद तो मैं भाई गाड़ी में अपना करना नहीं चाहता कहीं भी, और ना ड्रिलिंग करना चाहता, तो ये पत्ती जो है ना काफी हल्की है, अगर मैं इसमें रिपीट भी अगर लगा दूं तो ये पंखा अगर सीधा ऐसे रहे ना मुड़ मुड़ के, ऐसे 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 नीचे आ जाएगा, काफी हल्की पत्ती है भाई, ये देखो, मतलब हल्का सा करते ही ये मुड़ रहा है, ये देखो। ठीक है, तो मैं अभी इसको खोल लूंगा यहाँ से, और मेरे पास ये एक एंगल जैसा पत्ती है, इसको यहाँ पे फिट कर दूंगा ऐसे। ठीक है, और इसको कहीं ड्रिल व्रिल ना करके ऐसे यहाँ फंसा के ऐसे यहाँ पे एम सील लगा दूंगा, ये देख सकते हो। ठीक है,
तो करते हैं इसको जुगाड़बाजी कुछ। तो गाइस मैं अपना तामझाम लेके, तामझाम क्या, फिर से अपना फैन वैन लेके अपना सेटअप पे आ गया। चलो भाई यहाँ रख के इसको सही से करता हूँ, जो भी सिस्टम है ठीक है। औजार मैंने निकाल लिया, इसको तो मैंने खोल खाल दिया। अब इसके चक्कर में देखो ये बड़ा गैप है, तो इसको वार्सर ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल जाए मिल जाए। यहाँ पे ढूंढने के बाद ये कुछ वार्सर मुझे मिल गए, और ये इसका पेंच था, ये तो छोटा पड़ गया क्योंकि ये गैप ज़्यादा हो गया ना, और ये नट बोल्ट भी आ गया। चलो इसको सेट करते हैं। ये देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने लगा लिया नट बोल्ट को ठीक है, और इसको अब यहाँ पे ऐसे करके अटैच करके वार्सर लगा के सेट कर देंगे। देखो भाई ये सेट हो गया ठीक है, अब इसको गाड़ी में सेट करके देखते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको। दोस्तों अभी ये पत्ती सेट करके देखा ना, पत्ती बहुत बड़ा था ये, तो इसको गैरेंडर पता नहीं कहाँ रख दिया, मिल नहीं रहा है, इसको इसी से मेहनत करके काट रहे हैं ठीक है, दिखाता हूँ फिर आपको। सो फाइनली दोस्तों बहुत मशक्क़त के बाद इसको मैंने काट लिया, इसको अब सेट करके देखते हैं कौन सा पत्ती कहाँ सही से फिट होगा, फिर दिखाता हूँ। तो दोस्तों उस पत्ती को मैंने काट के इस तरीके से यू टाइप में बना लिया, अब मैं इसको सेट कर देता हूँ, ये फाइनल है काम। अभी इसको सेट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये इस तरीके से अब सेट हो गया, अब इसको एक बार फाइनल बस लगा के देखते हैं। गाइस चाबी ऑन कर दिया और ये स्विच भी ऑन कर देता हूँ मैं, अभी तो इसको चिपकाया नहीं है कहीं पे, अभी ट्राई देख रहा हूँ। इसको मैं ऐसी जगह सेट कर रहा हूँ ताकि मेरे साथ में बैठ के अगर कोई बंदा जाए उसको भी हवा लगे और मुझे भी हवा लगे। ये देखो गाइस सही है, हवा आ रही है एकदम ठीक है, और यहाँ पे भी बैठ के देख लेते हैं क्योंकि मैं तो यहाँ पे बैठ के चलाता हूँ, और साथ में अगर कोई जाए तो उसको भी मिलना चाहिए हवा। हाँ आ रही है हवा बिल्कुल परफेक्ट है एकदम। अब इसी में इसको दोस्तों फिट कर देते हैं। तो गाइस अब देख सकते हो यहाँ मैंने एमसील लगा दिया ठीक है, ये एकदम फिक्स तरीके से जैसे मेरे से हो पाया अच्छे तरीके से, एकदम थोड़ा चिपका के ऊपर नीचे चारों तरफ से भाई एमसील लगाना पड़ेगा तभी जाके ये रुकेगा। और इसको लगा के अभी मैं पूरी रात छोड़ दूंगा ताकि ये अपना तरीके से एडजस्ट हो जाए, बैठ जाए जहाँ मैंने लगा रखा है अभी। तो फाइनली दोस्तों ये तार वार सारा कटिंग करके ये रहा, मैंने यहाँ सेट कर दिया अपने हिसाब से, ये देख सकते हो पूरा अच्छे तरीके से ये सेट हो गया ठीक है। तो अब इसको मैं रात भर ये एमसील लगा के रख दिया ठीक है, और ये तार वार का पूरा कनेक्शन इधर अंदर, और ये देख सकते हो कनेक्शन यहाँ से गया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बस भाई गर्मी है तो करना ही पड़ा ठीक है, ये देख सकते हो सारा सेट कर दिया। तो भाई इसमें एक डेढ़ घंटे का मेहनत लग गया, मतलब कि ये जो एंगल वेंगल मैंने काटा पीटी करा, ये वायर का सेटिंग निकाला ठीक है। तो बस यही था भाई आज का वीडियो में, और चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और इसकी रिव्यू तो बहुत अच्छा मिलेगा, अभी इसी मैंने चेक करके देख लिया, तो कल इसकी एक बार टेस्ट करेंगे, टेस्ट क्या बस ठीक है। तो ऐसी जगह इसको मैंने सेट किया कि जो अगर मैं गाड़ी चलाऊं या मेरे साथ कोई बंदा जाए आए ठीक है, तो उसको भी हवा लगे, ऐसी जगह कि दोनों को मिल जाए, ये नहीं कि मेरी गाड़ी है मैं अकेले हवा लेता रहूं, कोई मेरे साथ बंदा जाए माल वाल उतारने के लिए उसको ना लगे, भाई अच्छी बात नहीं है ठीक है। तो चलो भाई चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।